हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो कल एक नोटिस जो है जारी की गई थी आरसीआई की तरफ से, और उसके बाद से जो है आप लोग सोशल मीडिया पर एकदम हंगामा मचा दिए हो। मैंने शाम को वीडियो भी नहीं बनाई इसी को लेकर के, और लेकिन आप लोग मुझे रात में इतने मैसेज किए कि जब मैं सुबह उठा हूं तो मैंने देखा कि इस नोटिस को लेकर के बहुत सारी जिक्र आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर किया है कि आखिर ये नोटिस क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, क्या 2 साल का बीएड खत्म हो गया है, बहुत सारी तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो हम इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने से पहले हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे क्योंकि ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है पूरा नोटिस, ठीक है। तो फिलहाल क्या है उस सभी पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की आप रियल और ऑथेंटिक अपडेट चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें। देखो होता क्या है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था परसों की एक मतलब वीडियो में मैंने बताया था कि अब एनईपी 2030 जो है एनईपी 2020 जो है उसके तहत अब 2030 तक जो है 1 साल का बीएड और 4 साल का बीएड ही चलेगा, 2 साल का जो बीएड है वो समाप्त कर दिया जाएगा। यह चीज पहले ही मेंशन कर दी गई है, चाहे 2 साल का बीएड हो और चाहे 2 साल का डीएलएड हो उसको समाप्त किया जाएगा। इसी बीच ये जो यहां पर एक नोटिस जारी की गई आरसीआई की द्वारा, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 4 जनवरी को नोटिस जारी किया गया है, वायरल ये कल से हो रही है, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हैज लॉन्च्ड द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन व्हिच द ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम, ये लाइन देखिए, इन व्हिच ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 years to 4 years and discontinued giving approval of 2 years beard। यानी इन्होंने कह दिया कि अब हम जो 2 साल का बीएड है वो हम 4 साल का करने जा रहे हैं, और जो 2 साल की जो मान्यता बीएड की है जो नए कॉलेज वाले या नए संस्था वाले लेने जा रहे हैं उनकी जो है यहां पर उनको अब मान्यता नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये कहा है कि 2 साल का बीएड बंद नहीं कर रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूट अब जो है कॉलेज खोल रहे हैं वो जा रहे हैं 2 साल के बीएड की मान्यता को लेने, तो वहां पर ये बताया गया कि अब वो 2 साल की बीएड की मान्यता नहीं पाएंगे। जो पुराने जो बीएड 2 साल चला रहे हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, वो तो बाद में बंद कर दिए जाएंगे 2030 के पहले, लेकिन जो नए लोग मान्यता लेने जा रहे हैं 2 साल का उनको मान्यता नहीं मिलेगा। फिलहाल कल मैं एक चीज और भी क्लियर करूंगा, इसमें थोड़ा सा आप परेशान होंगे, इसमें क्लियर ये करना है कि जो बहुत सारे छात्र हैं उनको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल बीएड के लिए, तो नहीं, ये नॉर्मल बीएड के लिए नहीं है, ये विशिष्ट बीएड वालों के लिए है। विशिष्ट बीएड क्या होता है, स्पेशल बीएड होता है, स्पेशल बीएड उन लोगों को करवाया जाता है जो बच्चे थोड़े से क्या होते हैं हैंडीकैप टाइप के होते हैं, जैसे उनका क्या है थोड़े से लंगड़े हैं, लूले हैं, या फिर देख नहीं पाते हैं, या कोई भी जैसे उनके अंदर क्या होता है थोड़ी स्पेशल जो चीज़ें होती हैं उस वजह से जो है यहाँ पर ये स्पेशल बीएड की बात की गई, यानी कि स्पेशल बीएड जो है अब मान्यता 2 साल का नहीं मिलेगा। अब जो भी नए कॉलेज वाले जाएंगे उनको 4 साल की मान्यता लेनी पड़ेगी। जो नॉर्मल हम लोग बीएड किए हैं या आप लोग जो बीएड नॉर्मल वाला किए हैं उसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ, अभी वो 2 साल का है, 2 साल का ही चल रहा है। हाँ, 1 साल का बीएड इसी साल से लागू हो जाएगा और 4 साल का बीएड तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ऐसा नहीं कि 2 साल का बीएड समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से बता दूं थोड़े शब्दों में, ये जो नोटिस है वो स्पेशल बीएड वालों के लिए है। स्पेशल बीएड जो 2 साल का जो होता है उसको 4 साल किया गया है, वो भी नए इंस्टीट्यूट के लिए। पुराने इंस्टीट्यूट में जो 2 साल का बीएड चल रहा है वो चलेगा, नॉर्मल बीएड का इस नोटिस से कोई लेना देना नहीं है। वो जो 2 साल का है वो अभी भी 2 साल का चल रहा है, आगे जब बंद होगा तब की तब देखा जाएगा। लेकिन ये जो है किसके लिए है, तो आप देख सकते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया, ये उनके लिए है जो थोड़े से क्या है स्पेशल है, यानी स्पेशल बीएड वालों के लिए यहां पर है। ये चीज आप लोगों को याद रखना, ये देखिए यहां पर लिखा है बीएड स्पेशल एजुकेशन, देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइए। बाकी बीएड की मान्यता को लेकर के आप सभी लोग लगातार केस कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कल 69,000 को लेकर के बीएड को मामले में सुनवाई थी, जिसमें थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है बीएड वाले छात्रों को, क्योंकि वहां पर हाव भाव जो थे वो ठीक नहीं लग रहे थे जज के भी, और साथ ही साथ जो वहां पर शिक्षा मित्र के वकील थे उनके भी। तो इसलिए मैं कल भी कहा था कि आप लोग एकजुट हो जाइए, अगर अभी नहीं अगर आप कर पाए तो जाहिर सी बात है एक बार सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाता है तो आप चाहे रिव्यू पिटीशन लगाते रहिए, जो मन में आए वो आप करते रहो, कोई फायदा उसका नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको जीत चाहिए तो आप लोगों को अच्छे तरीके से आपको एक वकील रखना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से लड़ना होगा। और जो यहां पर ऐसे छात्र हैं जो अभी एक भी भर्ती नहीं देखे वो पैसे ही बाहर हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए वही चीज कह रहा हूं ना कि सभी लोग बिल्कुल शांत पड़ गए हैं, बीएड वाले जितने भी लोग हैं, कहां गैजेट की मांग कर रहे थे कहां एकदम पूरी तरीके से सब शांत पड़ गए हैं। तो अगर शांत आप पड़ जाओगे तो कहां से मान्यता भाई मिलेगी आप लोगों को, आप लोगों को तो लड़ना पड़ेगा। हमने बार बार अपने चैनल के माध्यम से कहा है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल करवाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकसभा को
का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के पहले अगर आप नहीं शामिल करवा पाओगे तो बाद में आपकी कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आप लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए। जिस तरीके से बीएड वाले शांत पड़ गए हैं, एक महीने हल्ला मचा के फिर चुपचाप बैठ गए हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, कम से कम 2 साल आपने कोर्स किया था, 1 साल तो लड़ाई लड़ लेते। आप लोग 11 अगस्त को ऑर्डर आया है, अभी जो है 4-5 महीने ही बीते हैं और आप लोग बिल्कुल शांत पड़ गए बीएड वाले। तो फिलहाल जो यहाँ पर बीएड वाले हैं वो तो शांति पड़ गए, जो नौकरी जो कर रहे हैं जिनकी सैलरी मिल रही वो खुद ही शांत है, उनको लगता है कि अब हम बाहर ही नहीं होंगे, वो एकदम से निश्चिंत हो चुके हैं। तो ठीक है, फिलहाल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही आज की अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।